खरगोन जिला प्रशासन के द्वारा मिलावटी मुक्ति अभियान के अंतर्गत जिले के औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में दुग्ध उत्पाद से जुड़ी इंडस्ट्रीज पर राजस्व विभाग सहित खाद्य सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति और श्रम विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के द्वारा करीब 5 दिनों से रेकी कराई जा रही थी। वहीं बुधवार को पुख्ता जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है। मौके से डिप्टी कलेक्टर ओम नारायण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि निमरानी की मॉडर्न ज्वेलरी पर करीब 8 बजे अमला पहुंचा और कार्रवाई प्रारंभ की। वहीं कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में सल्फरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये दोनों एक तरह के एसिड बिना लाइसेंस के उपयोग में लाया जाना पाया गया। साथ ही 50-50 किलो की 2 यूरिया बोरी में भी बरामद हुई है। मौके से प्राप्त जानकारी के अनुसार इंडस्ट्रीज से कुल 9 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 4 मिल्क पाउडर के, 3 घी के और 1-1 दूध और बटर के लिए गए हैं। वहीं परिसर के भीतर से 1 घरेलू सिलेंडर और 4 सिलेंडर बाहर से जब्त किए गए हैं। श्री सिंह ने बताया कि श्रम अधिनियम के तहत प्रकरण बनाया गया है। जब्त सामग्री एकत्रित कर परिसर के एक कक्ष में रखकर सील किया गया है। इस पूरे प्रकरण में जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। तो वही कार्रवाई के दौरान कसरावद SDM संप्रिया महेश्वर, SDM मनोहर गवली, कसरावद नायब तहसीलदार जाट और फूड इंस्पेक्टर यूनल पाल उपस्थित रहे। खरगोन से शेखर कौशल की रिपोर्ट। सर, ये पूरी कार्रवाई के बाद जांच में जो चीजें आई है सामने, उसके बाद क्या कार्रवाई होगी? हाँ, इसमें सबसे पहले फूड एक्ट के अंतर्गत मैंने देखा कि वहाँ कहीं डिस्प्ले या कोई चीज़ नहीं थी, गंदगी थी, तो धारा 34 के अंतर्गत नोटिस भी हम जारी करेंगे दोबारा लाइसेंस के संबंध में उसको पूछताछ के लिए। इसके अतिरिक्त फूड सेफ्टी के अंतर्गत हमने जो सैंपल लिए हैं, सैंपल के अंतर्गत जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर प्रकरण दर्ज करेंगे जो भी न्यायालय में हो, सक्षम न्यायालय के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त फिर हमको फूड सप्लाई के अंतर्गत जो वहाँ पर हमको डीजल मिला है, गैस की टंकी मिली है, तो उसमें उसके अंतर्गत प्रकरण दर्ज करके माननीय कलेक्टर महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। लेबर एक्ट के अंतर्गत वहाँ पर हमने उनसे मांगा गया है, तो वो जो भी वहाँ पर लेबर एक्ट के अंतर्गत विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत उन्होंने दर्ज करी है प्राथमिकता, तो उसके अंतर्गत नोटिस जारी किया जाएगा। इसके अंतर्गत बड़ी मात्रा में हमको एसिड मिला है, तो माननीय कलेक्टर महोदय और SDM सक्षम अधिकारी, तो उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने उसको जब्त करके विधिवत वो पंचनामा और रिपोर्ट बनाई है, वो माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे एक्सक्लूसिव एक्ट के अंतर्गत, तो वो कार्रवाई होगी। तो इस प्रकार से विभिन्न और भी जो अधिनियम होंगे अपने प्रोसिक्यूटर से, अपने सरकारी विधि अधिकारी से पूछ के हम उसको संपन्न कराएंगे। साहब के इनपुट के अनुसार जब हमने परिसर की छानबीन की तो 2100 kg सल्फ्यूरिक एसिड मिला, 1400 kg नाइट्रिक एसिड मिला और 19 kg सस्पेक्टेड एसिड, हमें नहीं पता वो क्या है, हमने उसको सर्वेलॉन में लिया। फिर 2 फर्टिलाइज़र की बोरी मिली और 127 खाली यूज डिब्बे मिले एसिडों के। और इसके अतिरिक्त ये बताएं कि हमको जहाँ पे घी रखा हुआ था वहीं पर इन्होंने घी के साथ 5 कंटेनर एसिड के रखे थे, जो खाद्य पदार्थों के साथ एसिड रखना उचित नहीं होता है। हमने सभी सामग्रियों को जब्त करा जो इतनी बड़ी। अच्छा, इसमें हमने जब लाइसेंस पूछा एसिड का, तो एसिड को रखने का किसी प्रकार का कोई लाइसेंस भी नहीं था, तो ये विधि के विरुद्ध भी है और इतनी बड़ी मात्रा में एसिड मिलना भी गलत इंडिकेशन है, जिसकी जानकारी तुरंत कलेक्टर महोदय को दी गई थी। और इसके बाद हमने परिसर में देखा कि वहाँ घी, दूध, बटर और प्रोडक्ट को हमको ऐसा आइडेंटिफाई, क्रीम वगैरह का आइडेंटिफाई करा, तो हमने इसी दृष्टि से घी के 3 सैंपल लिए हैं, पाउडर के 4 सैंपल लिए क्योंकि कुछ पाउडर हमको ऐसा लगा सस्पेक्टेड, दूध का 1 सैंपल लिया, बटर का 1 सैंपल, कुल हमने 9 सैंपल लिए हैं। इसके अतिरिक्त हमको जो सस्पेक्टेड चीज़ मिल्क पाउडर, बटर, घी लगी है उसको भी हमने थोड़ा सा सर्वेलॉन में डाला है, हमने उनको कहा जब तक रिपोर्ट ना आए।